Welcome back to everybody. Welcome to my science class. So, हमारा chapter number 1 चल रहा था and today I think we will complete the whole chapter. क्योंकि chapter में जितनी भी theory है उसमें से 85-90% theory we have already completed. और exercise में भी बहुत सारे questions हमने किए थे. Okay, तो एक या दो video lecture में हमारा ये chapter ख़त्म हो जाएगा. होप यू मस्ट नो एवरीथिंग. ये चैप्टर में जितना भी मैंने करवाया है वो आप सबको सब कुछ आता है, राइट? प्रोबेबिलिटी 1 ही है, मैं ऐसा ही गिनता हूँ. हम तो प्रोबेबिलिटी 1 के अलावा कोई सोचते ही नहीं. सो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यू आर मास्टर, आई नो. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज मोनो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. देन आपको एक्टिविटी सीरीज भी आती होगी. वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक्टिविटी सीरीज आनी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नेसेसरी, पायोनियर है ये. तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है ये चैप्टर में. डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है, कोई फार्मूला मतलब मगिंग नहीं करना है. मैंने आपको फार्मूला कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया ऑलरेडी. मोनो एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, राइट? ये सब कुछ आपको मालूम है. व्हाट आर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स वो भी मालूम है. पोटेशियम 19 नंबर होता है, फ्लोरीन 7 नंबर होता है, राइट? सॉरी, फ्लोरीन 9 नंबर होता है, 7 नंबर इज नाइट्रोजन, 11 नंबर इज सोडियम, 15 इज फॉस्फरस, फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन होता है, राइट? तो ये सब कुछ आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री में मास्टरी आ जाएगी. एंड आई नो यू ऑल आर द मास्टर्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन. और हम पहले शुरू करेंगे, यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक. मेरे पास मोबाइल में टेक्स्ट बुक है पूरी. तो टेक्स्ट बुक के अंदर से वी विल डू क्वेश्चन नंबर एट करेंगे हम टेक्स्ट बुक में से. तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6, 5, 7 और बस इतने कर दिए थे, राइट? सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन ऐसा लिखा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस. मतलब आपको रिएक्शन वर्ड्स में दी है, फिर आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन यू हैव टू राइट कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, या फिर ऑक्सीडेशन है, या फिर रिडक्शन है, या फिर ये डीकम्पोजिशन है, या फिर कॉम्बिनेशन है. ओके, मोनो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है, या तो वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है. 8 में से कोई भी एक हो सकता है, उसको आपको लिखना है, राइट? तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड. वर्ड्स में लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड. तो देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब क्या होता है, KI. पोटेशियम, सॉरी, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पोटेशियम ब्रोमाइड. तो पोटेशियम ब्रोमाइड होगा KBr. पोटेशियम का कैपिटल K और ब्रोमीन का Br. K प्लस 1 होता है, Br माइनस 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो KBr आ जाएगा. ओके, तो पोटेशियम ब्रोमाइड. फिर लिखा है बाजू में बेरियम आयोडाइड. क्या लिखा है, बेरियम आयोडाइड. तो भाई समझो, अभी बेरियम और आयोडीन, बेरियम का प्लस 2 होता है, आयोडीन का माइनस 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BaI2 आ जाएगा. क्या आएगा, BaI2. ओके, बेरियम आयोडाइड को ऐसे बनाते हैं, BaI2. कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है. अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आप मोनो एटॉमिक पॉली एटॉमिक के चार्ज लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा. दोनों एक्वियस हैं तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड. क्या लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI. पोटेशियम आयोडाइड KI. और लास्ट में बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड. बेरियम ब्रोमाइड इसके जैसा ही बनेगा, BaBr2. बेरियम ब्रोमाइड BaBr2. ये एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस और ये भी एक्वियस. ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है एक्सरसाइज का 8. क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 साइंस में, राइट? सब कुछ एक्वियस ही दिया है, नहीं, बेरियम ब्रोमाइड दिया है सॉलिड, BaBr2 दिया है सॉलिड. जो सॉलिड होता है वो प्रेसिपिटेट होगा. इसमें दो कंपाउंड, टू कंपाउंड्स आर ब्रेक ओवर हियर एंड न्यू टू कंपाउंड्स आर फॉर्म. दो कंपाउंड टूटेंगे, नए दो कंपाउंड बनेंगे, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और लास्ट लेक्चर में ही मैंने बोला था कि डबल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन.
डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? प्रेसिपिटेशन। आप यहाँ पे डाउन एरो भी कर सकते हो, नो इश्यूज, आप डाउन एरो भी कर सकते हो। पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, दो आयोडीन है तो दो आयोडीन, दो पोटेशियम तो दो पोटेशियम, दो ब्रोमीन तो दो ब्रोमीन, एक बी ए तो एक बी ए हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ द रिएक्शन, दो कंपाउंड टूटे और नए दो कंपाउंड बने तो हम इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और करके उसका दूसरा भी नाम है, मैंने पहले ही बोला आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? प्रेसिपिटेशन। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज। तो फर्स्ट आंसर कंप्लीटेड। क्वेश्चन में हमने हमको क्या दिया था? वर्ड्स में इक्वेशन दिया था, वर्ड्स में। तो पहले हमने क्या किया, सबको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, देन वी हैव बैलेंस द इक्वेशन, और फिर उसका टाइप लिख लिया, दैट्स ऑल, यही तो करना है आपको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 question number 8, क्योंकि हमने 5, 6, 7 ऑलरेडी कर दिए है, बहुत पहले ही कर दिए है। नाउ सेकेंड है जिंक कार्बोनेट, अभी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जिंक कार्बोनेट वाला इक्वेशन मैंने लिखा था डीकम्पोजिशन में, याद करना भाई, याद कर लेना, वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो आप। मैंने जिंक कार्बोनेट वाला लिखा था, CaCO3, MgCO3, ZnCO3, ओके, तीनों लिखे थे मैंने, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पूरा रिएक्शन बैलेंस ही है। तो क्या बोलेंगे इसको? व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन? डीकम्पोजिशन, लेकिन पर्टिकुलरली क्या है ये? थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या है ये? थर्मल डीकम्पोजिशन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट था और ये थर्मल डीकम्पोजिशन, ओके। नाउ थर्ड वन, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऐसा लिखा है, हाइड्रोजन गैस तो हम क्या लिखेंगे? H2 गैस, क्लोरीन गैस Cl2 गैस, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, राइट, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो यहाँ पे दो रख देंगे, 2HCl आ जाएगा, ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अभी ये कौन से टाइप का इक्वेशन है? तो देखो, दो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो दो मिलके एक बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, राइट, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि सर इन दिस इक्वेशन हाइड्रोजन इज एडेड, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं, तो नो इश्यूज, इसको रिडक्शन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, राइट। इफ हाइड्रोजन इज एडेड इन द रिएक्शन देन डेफिनेटली इट इज कॉल्ड रिडक्शन। और बेस्ट वन क्या है? दो मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं तो दो मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्वेशन? दैट इज कॉम्बिनेशन, टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। और मैं दूसरा भी लिखूंगा, रिडक्शन। व्हाई? द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड इज कॉल्ड रिडक्शन, बहुत पहले बताया था। एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, तो उसमें लिखा है मैग्नीशियम सॉलिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस, मैग्नीशियम सॉलिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस। देखो ये क्या हुआ कि अभी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्हेन यू आर एडिंग मेटल इनटू एसिड यू विल डेफिनेटली गेट हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको, और मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे? MgCl2, बराबर। तो एक बार आंसर में देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वियस एंड हाइड्रोजन गैस, हो गया ना, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वियस एंड हाइड्रोजन गैस। अभी दो क्लोरीन तो दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन, Mg तो Mg, राइट। सो नाउ द टाइप ऑफ द इक्वेशन, क्या होगा ये टाइप, कोई बता सकता है? एक कंपाउंड टूटा और सामने एक कंपाउंड नया बना, है ना, एक कंपाउंड टूट के एक नया बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? द टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड मोनो डिस्प्लेसमेंट। सो द टाइप ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट? मोनो डिस्प्लेसमेंट। तो बस चार ही है क्वेश्चन में, ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर।
तो हमने चारों कर दिए, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म कर दिया हमारा, राइट। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या था, आपको वर्ड्स में इक्वेशंस दिए हैं, यू आर गिवन इक्वेशंस बट इन द वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स में इक्वेशन है आपको कन्वर्ट करने हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिख के इक्वेशन कंप्लीट करो। तो विदाउट बैलेंसिंग क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल इक्वेशन, फिर आप उसको बैलेंस करो। और फिर ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप का है ये आप बताओ, राइट। तो फर्स्ट में क्या था, दो कंपाउंड टूटेंगे, दो नए कंपाउंड बनेंगे, सो डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक कंपाउंड टूटेगा और दो नए बनेंगे, मतलब डीकम्पोज हुआ तो गर्मी है, हीट एनर्जी, सो थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे दो मिलके एक बनाएंगे, इसका उल्टा, तो डीकम्पोजिशन किसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन का, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे एक कंपाउंड टूटेगा, नया एक कंपाउंड बनेगा, सो इट इज कॉल्ड मोनो डिस्प्लेसमेंट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, मैं आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता दूं पहले। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ईजी है, आपने वर्षों से पढ़ा है ये। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, when oxygen is added or hydrogen is released, तो उसको बोलेंगे oxidation। और reduction में क्या होता है, when hydrogen is added or oxygen is released, तो उसको बोलेंगे reduction। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करो, राइट। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिलीज्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एड होगा या फिर और लिखा है, दिस इज नॉट एंड, या फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, दैट इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट एग्जांपल, बहुत इजी है। कैल्शियम इज द सॉलिड मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा ये। दो ऑक्सीजन तो दो ऑक्सीजन, दो कैल्शियम तो दो कैल्शियम, है ना, बहुत ईजी है ये एग्जाम्पल। फिर डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया गैस है आपके पास, NH3 गैस, उसको गर्म करोगे तो यू विल गेट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ये दो नाइट्रोजन तो दो नाइट्रोजन, 3 to the 6 हाइड्रोजन, 3 to the 6 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ, राइट, हाइड्रोजन रिलीज, ऑक्सीजन एड हुआ या फिर हाइड्रोजन रिलीज हुआ, दोनों को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, वो बहुत पहले लेक्चर में किया था, सोडियम मेटल है हमारे पास, सोडियम मेटल, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और क्या बनाएगा, वो Na+। अगर Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो Na+ बनेगा, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, राइट, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो तीनों के एक एक एग्जाम्पल दे दिए मैंने, सफिशियंट। नाउ रिडक्शन, तो रिडक्शन में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच
the chemical reaction in which hydrogen is added or oxygen is released or electrons are added, then it is called reduction. तो reduction में क्या होगा, या तो फिर hydrogen add होगा, या फिर oxygen release होगा, या फिर electrons add होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, reduction. Okay, so we are writing few examples. तो समझो हाइड्रोजन गैस वो सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा. सल्फर इज अ सॉलिड नॉन मेटल. सल्फर जो है ना भाई वो सॉलिड नॉन मेटल है. तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड. क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, हाइड्रोजन ऐड हुआ, सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, नाउ सेकेंड. अभी अब ऑक्सीजन रिलीज हो, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं. हमने PbNO3 ट्वाइस वाला लिखा था, अगर आपको याद है तो PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट. अगर आप उसको गर्म करोगे यू विल गेट लेड मोनोक्साइड. लेड मोनोक्साइड येलो कलर का होता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ना. क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन रिलीज हुआ. अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन है ना. ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन भी बोल सकते हैं. ये डीकम्पोजिशन भी है ऑलरेडी, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो हमारे लिए ये रिडक्शन है. यहाँ पे दो रखूंगा चार नाइट्रोजन, तो चार नाइट्रोजन मालूम ही आपको, हमने बैलेंस किया था. फिर ऑक्सीजन 4 2 8 + 2 10 10 + 2 12, तो 3 2 6 6 2 12. और लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन. तो क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Cl-1. ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. समझ में आया आपको, क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, राइट. उसके ऊपर से तीन एग्जांपल दे दिए, फेयर इनफ. और ये रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, या फिर ऑक्सीजन रिलीज होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, राइट. तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ये दोनों प्रोसेस हो गई. सी व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, when oxidation and reduction process occur simultaneously, then it is called redox reaction. क्या बोलेंगे इसको, redox reaction. red, reduction का red और oxidation का ox, तो उसको बोलेंगे redox. redox मतलब red color का ox, ऐसा नहीं है, it is redox reaction. redox का मतलब क्या होता है, when oxidation and reduction process takes place simultaneously, then it is called redox reaction. तो अभी हम redox पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये चैप्टर का. और जितना इजी एग्जाम्पल दोगे आप, जितना इजी एग्जाम्पल दोगे उतना ही आपको लिखने में मजा आएगा. तो बहुत हार्ड, बहुत लंबा एग्जाम्पल दोगे तो आप मतलब भूल जाओगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन. So our next topic of discussion is
रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन आप 11, 12 स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, बहुत वास्ट टॉपिक है ये, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में बहुत छोटा है ये टॉपिक, मतलब उतना इलेबोरेट और इतना डीप एक्सप्लेन नहीं किया है, और आपके कोर्स में उतना डीप नॉलेज है भी नहीं। उसमें तो चार्ज भी बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जब आप 11, 12 में पढ़ोगे। लेकिन आपके कोर्स में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को बैलेंस करना पड़े, राइट? सो वी विल टेक वेरी इजी एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, वन इजीएस्ट एग्जांपल। समझो मेरे पास कॉपर मेटल है, कॉपर इज अ सॉलिड मेटल, और हम उसकी पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। वी आर डूइंग रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ वाटर। तो अभी क्या होगा देख लेना, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, वही क्यूप्रिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। ये बहुत आसान रिएक्शन मैंने लिखा है तो आपको समझ में आ जाए, आपको ऐसे हाईफाई रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11, 12 स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन करके पूरा चैप्टर है, समझो दिस इज द पार्ट ऑफ योर चैप्टर वन, और उसमें पूरा चैप्टर है, समझे। तो हम तो 11, 12 का नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर राइट नाउ इन स्टैंडर्ड 10। कई बच्चे आगे 11, 12 साइंस ले या ना भी ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, राइट, कोई डिप्लोमा में जाएगा। तो हमारे कोर्स में तो बहुत छोटा टॉपिक है, सो दैट्स वाई वी विल टेक वेरी इजी एग्जांपल। अगर आपको ऐसा लगता है कि डर के आगे जीत है, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे हार्ड एग्जांपल भी हैं, लेकिन हार्ड एग्जांपल में आप एग्जांपल ही मतलब भूल जाओगे एग्जाम में कि क्या था भाई। तो बैटर टू टेक इजी एग्जांपल, राइट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वेरी इजी एग्जांपल। तो कॉपर इज अ सॉलिड मेटल और वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो Cu एंड O मिलके क्या बनाएंगे, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, राइट। बहुत सिंपल रिएक्शन है, अभी बराबर समझ लेना। सी इन रिएक्टेंट देयर इज अ कॉपर, रिएक्टेंट में रिएक्शन से पहले क्या था, कॉपर था, राइट। अभी कॉपर के अंदर समझ लो, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट, पहले कॉपर अकेला था, नाउ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद कॉपर टू मेक CuO। मतलब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई। मैंने क्या बोला, H2O में से ऑक्सीजन जाएगा और वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ, तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा, राइट, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, है ना। कॉपर पहले अकेला था, फिर ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हुआ, तभी तो ये बना CuO। तो इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अभी उल्टा सोचो, पहले H2O के पास ऑक्सीजन था लेकिन उसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, कॉपर को दे दिया, तो H2O में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। H2O में से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और हमने आगे ही डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन रिलीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मतलब पानी में से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, पानी में से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट्स वाई H2O इज रिड्यूस्ड।
तो रिडक्शन का, रिडक्शन किसका हुआ? H2O का, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर का, राइट। तो अभी ये स्टोरी यहाँ पे लिखेंगे हम एज गिवन इन द इक्वेशन, एज गिवन इन द इक्वेशन कॉपर मेटल। अभी आपको मालूम है कॉपर वन और कॉपर टू होता है ना, कॉपर टू मतलब क्यूप्रिक और कॉपर वन मतलब क्यूप्रस। यहाँ पे हमने क्यूप्रिक लिया है, आपको जो लेना है ले सकते हो। अगर आप क्यूप्रस लोगे तो ये फॉर्मूला Cu2O हो जाएगा, फिर आपको ही दिक्कत होगी। तो बेटर टू टेक इजी एग्जांपल, पहले ही बोला मैंने। इन द गिवन इक्वेशन कॉपर टू इज रिएक्टिंग विथ लिक्विड वाटर, इज रिएक्टिंग विथ लिक्विड वाटर एंड मेक कॉपर टू ऑक्साइड। कॉपर टू का मतलब ही क्यूप्रिक होता है, मैंने पहले टेबल पढ़ाया था उसमें बोला था। या तो फिर आप कॉपर टू लिखो या फिर क्यूप्रिक लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। कॉपर टू लिखो या फिर क्यूप्रिक लिखो एंड मेक कॉपर टू ऑक्साइड। ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस is released। मतलब अभी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ही बोला कॉपर का, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट। तो यहां पे लिखेंगे हियर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन पानी में से निकल रहा है एंड बींग रिएक्टेड विथ कॉपर, मतलब कॉपर टू बींग रिएक्टेड विथ कॉपर, हैंस कॉपर टू, हैंस कॉपर टू गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड वाटर गेट्स रिड्यूस्ड। पानी का रिडक्शन हुआ क्योंकि पानी ने ऑक्सीजन को निकाल दिया अपने में से और कॉपर को दे दिया, तो कॉपर ने ऑक्सीजन लिया तो कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और पानी का क्या हुआ? रिडक्शन। एज बोथ द प्रोसेसेस take place simultaneously, hence it is called redox reaction। That's why उसको क्या बोलेंगे? redox reaction। Okay, तो ये बहुत 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 easy language में लिखा है, अगर आपके मम्मी पापा भी पढ़ेंगे तो उनको भी याद रह जाएगा, राइट। आंसर ऐसा लिखो कि कोई नॉन साइंस पढ़ने वाले बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो ऐसा टिपिकल या फिर ट्विस्टेड एग्जांपल लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोर्ड वाले भी बोलते हैं कीप योर पेपर इजी, हार्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, राइट। तो आई हैव गिवन यू द बेस्ट एग्जाम्पल, किसी को भी आ जाएगा, राइट। वी कैन सॉल्व मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लेकिन ये बेस्ट है आपके लिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन ये 3 मार्क्स में आ सकता है, एक्सरसाइज में भी है रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले मैंने डेफिनेशन लिखी, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली दैन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो कॉपर का एग्जांपल लिया, कॉपर इज ए सॉलिड मेटल, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? CuO प्लस H2 रिलीज होगा। तो रिएक्शन को मैंने पहले वर्ड्स में लिखा कि एज गिवन इन द इक्वेशन कॉपर टू क्यूप्रिक इज रिएक्टिंग विथ लिक्विड वाटर एंड मेक कॉपर टू ऑक्साइड, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, हियर ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर, पानी में से ऑक्सीजन निकलेगा, राइट। ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड बीइंग रिएक्टेड विथ कॉपर टू, इसमें से निकलेगा तो इसने जाने दिया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो इसका रिडक्शन होगा। सो वाटर गेट्स रिड्यूस, रिडक्शन किसका हो रहा है? वाटर का।
और कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिया ऑक्सीजन को, तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, राइट? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, तो रेडॉक्स भी खत्म, ऑक्सीडेशन भी खत्म, रिडक्शन भी खत्म, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म. तो हमने अभी तक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कंप्लीट कर दिए हैं. वी हैव कंप्लीटेड 5, 6, 7, 8. तो थोड़े एक्सरसाइज में से 2-3 और क्वेश्चन कर देंगे. आपको एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, राइट? तो हम बार बार एक ही क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे. यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो. तो देखो 5, 6, 7, 8 तो खत्म हो गया. नाउ यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक. उसमें 9th क्वेश्चन देखो. 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसके आगे वाला वीडियो देखो, आगे वाला वीडियो देखो आराम से. उसमें एक्सोथर्मिक यहाँ पे और एंडोथर्मिक यहाँ पे लिखा था मैंने, है ना? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. मैंने ऐसा भी बोला था कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे. और जब आप खाते हो और खाने की चीज़ का आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. देखो इसमें दो टाइप है. फोटोसिंथेसिस में एनर्जी मिलती भी है प्लांट को और एटमोसफियर में रिलीज भी होती है. तो रिलीज होने वाली एनर्जी ज़्यादा होती है. सो फोटोसिंथेसिस इज टेकन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस में क्या है कि प्लांट फूड बनाएगा, राइट? तो फूड तो मिलेगा उसको, लेकिन फिर उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी. तो फोटोसिंथेसिस को हम एक्सोथर्मिक में ले सकते हैं, राइट? ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके साथ. फिर कंबशन भी किया था. कंबशन में एनर्जी रिलीज होगी, तो कंबशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फिर आपने लास्ट ईयर कंपोस्ट मैन्योर ऐसा कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, 15 नंबर के चैप्टर में कंपोस्ट मैन्योर, याद है आपको? फर्टिलाइजर केमिकल होता है, केमिकल वाला फर्टिलाइजर होता है, और जो काउडंग, एनिमल एक्सक्रेटा, फार्म वेस्ट, वीड्स, वो सब में से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर. तो एक एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर फ्रॉम ह्यूमन एक्सक्रेटा एंड प्लांट एक्सक्रेटा इज अ डैश प्रोसेस. आप जो कंपोस्ट मैन्योर बनाते हो किसमें से? एक्सक्रेटा में से, तो वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो मैन्योर हमें एनर्जी देता है, हमें मतलब प्लांट को एनर्जी देता है. और बेस्ट वे कि मैन्योर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में. बायोगैस प्लांट में से गैस निकलेगा और उसके कारण हम ये लाइट, स्ट्रीट लाइट, जो विलेज के अंदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलती आसानी से, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? बायोगैस प्लांट में ये सब कचरा ले जाते हैं और उसका डीकम्पोजिशन होता है, फिर बाहर गैस निकलता है और वो गैस घर में यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ में. एंड दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस गैस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो फाइनली कंपोस्ट मैन्योर में से हमें एनर्जी मिलेगी, राइट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? तो फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर फ्रॉम एक्सक्रेटा इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? तो टेक्स्ट बुक में हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया. फिर 10th क्वेश्चन देखो. 10th क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आपको मालूम है कि डाइजेशन जब हमारी बॉडी में होता है, डाइजेशन जब वो होता है, तो डाइजेशन में क्या बनता है? फाइनली ग्लूकोज. डाइजेशन में क्या बनता है? ग्लूकोज. समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ. डाइजेशन में फाइनली ग्लूकोज बनेगा, राइट? और वो ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया विल रिलीज एनर्जी बाय द कंबशन ऑफ ग्लूकोज. माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का कंबशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का कंबशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी. तो ग्लूकोज बनता किसमें है? डाइजेशन में. डाइजेशन में ग्लूकोज बना, राइट? लेकिन ग्लूकोज का कंबशन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी रिएक्शन में होगी? रेस्पिरेशन में. तो रेस्पिरेशन में दरअसल होता क्या है? द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंबस्टेड
एंड हेंस द एनर्जी इज रिलीज्ड. दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. राइट, क्या बोला मैंने, डाइजेशन में क्या बनता है, इन द डाइजेशन प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड बाय द कंबशन ऑफ ग्लूकोज द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और वो करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. किस में से, ग्लूकोज में से. हेंस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, तो हमने टेक्स्ट बुक में से 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेट, इतने क्वेश्चन खत्म कर दिए. नाउ सी द 11th क्वेश्चन, वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था हमने. क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन. बहुत बार किया था ना, आगे किया था हमने, डीकंपोजिशन की पूरी शॉर्ट नोट लिखी थी. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो कंपाउंड या फिर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलके नया एक कंपाउंड बनाएंगे. राइट, और डीकंपोजिशन में क्या होगा, आप एक कंपाउंड को हीट एनर्जी दो या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करो या फिर उसको सनलाइट के प्रेजेंट में रखो, तो सामने 2, 3, 4, 5 नए नए मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेंगे. दैट्स व्हाई डीकंपोजिशन इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन. समझ में आया मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके एक नया कंपाउंड बनाएंगे. और डीकंपोजिशन में क्या होगा, एक कंपाउंड टूटेगा और 2, 3, 4 नए नए कंपाउंड बनेंगे. राइट, तो दैट्स व्हाई डीकंपोजिशन इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन. और बाद में आप ऐसा कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल लिखो और एग्जैक्टली उल्टा एग्जाम्पल नीचे लिख दो डीकम्पोजिशन में. राइट, अगर आप इसको बोलते हो, समझो अगर आपने ऐसा लिखा कि MgO प्लस CO2 इट गिव्स MgCO3. राइट, सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन. राइट, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, उल्टा मतलब मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी दे दी, सो वॉट आई विल गेट, MgO प्लस CO2. राइट, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन. So these examples are proved that कि decomposition is the opposite reaction of what, combination. ये दो example के ऊपर से ही आपको समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के opposite है. तो ये question number कौन सा था, ये था question number 11 of exercise. तो हमारे 5 to 11 खत्म हो गए. Now 12th question, write one equation for decomposition where energy is supplied in the form of हीट एनर्जी, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. भाई बहुत बार किया है ये, लास्ट टाइम भी हमने किया था. डीकम्पोजिशन में तीन एग्जाम्पल लिखो जिसमें पहले लाइट का यूज हो. चलो लाइट का यूज किसमें किया था, AGCL ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, याद है ना, माइंड इट, याद रखो. तो AGCL सॉलिड, सन लाइट, SL मतलब सन लाइट. राइट, तो हमें क्या मिलेगा, AG प्लस क्लोरीन, दो क्लोरीन दो क्लोरीन, दो सिल्वर दो सिल्वर. तो ये लाइट का यूज हुआ. नाउ वी विल यूज हीट एनर्जी, इसका यूज करेंगे हम हीट एनर्जी. तो कैल्शियम कार्बोनेट वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल, सब लोग कैल्शियम कार्बोनेट का ही एग्जांपल देंगे. डेल्टा का मतलब होता है हीट एनर्जी. व्हाट यू विल गेट, CaO एंड CO2. तो ये थर्मल का एग्जाम्पल हो गया. एंड लास्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करो. तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने NaCl वाला भी एग्जाम्पल दिया था और बेस्ट पानी वाला एग्जाम्पल H2O, H2O इन द लिक्विड फॉर्म. याद है मैंने बोला था DC जो गाड़ी बनाते हैं वो DC नहीं, इट इज डायरेक्ट करंट. राइट, डायरेक्ट करंट है. तो डायरेक्ट करंट किस में से मिलता है ये भी मैंने बताया था. डायरेक्ट करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैटरी और सेल. दो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन, तो चार हाइड्रोजन. राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको एक एक एग्जांपल देने थे, लाइट वाला एग्जांपल, हीट एनर्जी वाला एग्जांपल और इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल. तो हमने ये कर दिया क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज.
5 से लेके 12 तक खत्म हो गया हमारा, 5 टू 12। नाउ 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये भी किया ही है हमने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों के इक्वेशन लिखो। ये किया है भाई, यहाँ पे मोनो डिस्प्लेसमेंट लिखा था और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा था मैंने, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोनो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड टूटेगा सामने, एक कंपाउंड नया बनेगा। उसके लिए मैंने आपको पूरी एक्टिविटी सीरीज याद रखने को बोला था, है ना। तो बेस्ट एग्जांपल दिया था हमने Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu, राइट। तो मोनो डिस्प्लेसमेंट में क्या बनेगा, एक कंपाउंड टूटेगा सामने, एक कंपाउंड नया बनेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड टूटेंगे सामने, दो नए कंपाउंड बनेंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यही डिफरेंस है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड टूट के नए दो कंपाउंड बनेंगे, और मोनो डिस्प्लेसमेंट में एक ही कंपाउंड टूटेगा और सामने नया बनेगा। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ 15 देखो एक बार, 14 बाद में करते हैं। 15 में है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी लिखा, डाउन एरो प्रेसिपिटेशन, AgCl वाला एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया ही है, आगे की वीडियो देखो आप। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देख लो सेकंड, दैट इज द प्रेसिपिटेशन, बहुत 3-4 बार बोला है। प्रेसिपिटेशन मतलब केमिकल रिएक्शन के एंड में एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो कभी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, राइट। नेक्स्ट 15 हो गया हमारा, फिर 16 देखो, 16 इज अ रियल टाइम पास, उसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी हमने पढ़ा, एग्जाम्पल लिख दो, एक गेन ऑफ ऑक्सीजन वाला, एक लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाला, हो गया ना। तो 15 खत्म, 16 खत्म, राइट। फिर 17-18 हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, तो एमसीक्यू है, लेकिन इज अ वेरी गुड एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज, तो रिएक्शन है, टू रिएक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्वेश्चन दिया ही है, क्या दिया है, 2PbO सॉलिड, ये क्वेश्चन दिया ही है, हमें बनाना नहीं है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन मतलब कोक या फिर कार्बन, तो बनेगा 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट, ये बना। तो पहला है, कौन सा गलत है, ऐसा दिए, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो ये एग्जाम्पल भी, कौन सा एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो PbO में से, समझ लेना, मैं पहले रेडॉक्स का आंसर लिख दूं इसमें, भले MCQ हो लेकिन आप रेडॉक्स के एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर रहा है, PbO, PbO में से ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने, ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा और इसको मिलेगा ऑक्सीजन, राइट। अगर ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा, तो इसका रिडक्शन हुआ ना, तो PbO का क्या हुआ, PbO का रिडक्शन, और कार्बन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो मैं पहले यहां पे थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख दूं, हियर PbO इज रिलीजिंग ऑक्सीजन, हेंस इट गेट्स रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि PbO का रिडक्शन हुआ, कार्बन is getting oxygen, hence it gets oxidized, it gets oxidized, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, राइट। तो PbO का हुआ रिडक्शन और कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, इसके अलावा जो भी लिखा है वो गलत, राइट। तो पहले में क्या लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं PbO रिड्यूस हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2,
कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, तो सेकेंड स्टेटमेंट बी गलत. नाउ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, यस ये तो सही है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड. और फोर्थ में लिखा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, राइट. तो थ्री एंड फोर राइट है और वन और टू रॉन्ग है. ओके, सो इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने ये क्वेश्चन को बहुत सारे स्कूल के पेपर में दिखाया, तो आप 100% प्रिपेयर करो यार. फर्स्ट इज कंप्लीटेड, सेकेंड देखो, तो हमने पांच से तो ऑलरेडी कर ही दिए है, तो अभी दो तीन और चार बाकी है हमारा, बराबर. तो दो देखो, Fe2O3 एक्सरसाइज में सेकेंड क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe, राइट, ऐसा लिखा है. और उसमें कोई मतलब सॉलिड लिक्विड गैस ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसमें दो Al है तो दो Al, दो Fe है तो दो Fe, राइट. तो ये क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, अब वो एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हमें चेक करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये या फिर, आपको समझ में आ जाएगा, ये टूटेगा और ये नया बनेगा, एक कंपाउंड टूटेगा एक कंपाउंड नया बनेगा, तो ये मोनो डिस्प्लेसमेंट है, राइट. सेकेंड में लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड टूटेंगे दो नए कंपाउंड बनेंगे, राइट. थर्ड, थर्ड में लिखा है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक कंपाउंड टूटेगा सामने दो तीन चार नए बनेंगे, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो मिलके एक बनाएंगे, तो तीन ऑप्शन गलत, तो चौथा ही राइट होगा. चौथे में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट. देखो अकेला डिस्प्लेसमेंट लिखा है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होगा मोनो डिस्प्लेसमेंट. अकेले डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मोनो डिस्प्लेसमेंट. और मोनो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड टूटेगा सामने एक कंपाउंड नया बनेगा. ओके, खत्म. थर्ड वन, थर्ड वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स, यू भी एमसीक्यू ही है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट. अब ये डाइल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर पानी का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, जिसके अंदर पानी का प्रपोर्शन ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट. तो क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर आपके पास एसिड है, एसिड, और एसिड के अंदर पानी ज्यादा है, if you have any acid and if the proportion of water is more than acid, then that acid is called dilute acid. वो acid को क्या बोलेंगे, dilute acid. तो third, what happens when dilute hydrochloric acid is added to ion fillings? Ion fillings मतलब ion के छोटे 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 particles. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस, उसके अंदर हमने आयन के पार्टिकल्स डाले, तो Fe और Cl मिलके क्या बनाएंगे, FeCl3 आयन क्लोराइड, राइट. और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, डाइहाइड्रोजन. देखो हम सिक्स कर दे पहले से, सिक्स, अगर मुझे सिक्स क्लोरीन करना है तो यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, टू Fe, तो टू Fe, छह हाइड्रोजन तो छह हाइड्रोजन, तो मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयन फिलिंग्स देन आयन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, देन आयन क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड मेन थिंग हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बबल्स दिखेंगे आपको लिक्विड के अंदर, राइट.
तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अभी कोई भी रिएक्शन में गैस रिलीज होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे बताएंगे, अप एरो, या तो फिर आप अप एरो करो या फिर जी लिखो, नो इश्यूज। नेक्स्ट फोर्थ हमने बोला है व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हेन इन एनी केमिकल इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड व्हेन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर सेम देन सच इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ इन अ केमिकल इक्वेशन इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर सेम देन सच काइंड ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाई वी आर बैलेंसिंग द इक्वेशन, बिकॉज वी नीड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद में मास सेम होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस मास, वी कैन नॉट, मतलब आप मास को प्रोड्यूस नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास, यू कैन नॉट प्रोड्यूस द मास मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो पहला आंसर क्या आएगा, वॉट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन इन अ केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और सेकेंड का आंसर क्या आएगा, इन अ केमिकल रिएक्शन द मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, द मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन मस्ट बी सेम, हेंस वी आर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये आंसर है। तो हमने समझो बच्चों एक्सरसाइज में एक से लेके 16 तक क्वेश्चन कर दिए, उसमें 14 सिर्फ एक ही बाकी है शायद, है ना, 14, हाँ 14 बाकी है। तो 1 से लेके 16 कर दिए, टोटल 20 क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में बाकी है, ओनली 5 क्वेश्चंस। और बाद में हम इन टेक्स्ट भी करेंगे, इन टेक्स्ट में भी अलग अलग पेज पे क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम करेंगे, ओके। सो ये लेक्चर में इतना रखते हैं, अभी सिर्फ हमारी दो थियरी बाकी है ये चैप्टर में, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, उसके भी आंसर मैं लिख दूंगा बोर्ड के ऊपर, बहुत ईजी है, एक लेक्चर का काम है, एक वीडियो में बना के दूंगा आपको, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। सो डू रिविजन, एंजॉय माई लेक्चर, आपके सारे डाउट मेरे लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो आई एम साइनिंग ऑफ एंड कैच यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।